अब आया दूसरी बात, बाबा को भोग लगाना चाहिए। माता भोग लगाते हो? नहीं लगाते हैं। हाँ, लेकिन भोग किसको लगाना चाहिए किसको नहीं लगाना चाहिए, नियम मर्यादा भी जानना चाहिए। जिसके घर में सभी पति बच्चे सारा परिवार ज्ञान में चला है, उनको ही बाबा को दिन में एक टाइम स्नान करके खाना बना करके बाबा के लिए भोग लगाना चाहिए। जिसके घर में सभी नहीं चलते हैं, माता जी के लिए नहीं चलती है और भोग लगाना चाहती है, तो कोई प्यास करता है, कोई कैसे बर्तन है, कोई कैसा है, नहीं लगाना चाहिए। नहीं, क्यों? सर्वशक्तिमान शिव बाबा का भोग पवित्र, इसलिए मधुबन में भी पहले मम्मा अकेले ही भोग बनाती थी। भोग बना क्या करते हैं, कोई भोग नहीं बना सकता है। आज भी मधुबन में भोग बनता है तो सारे खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, किसके नजर भी नहीं जाना चाहिए। अरे भोग बनाने से पहले इनकी नजर लग गई, नजर पड़ गई, सब दरवाजे बंद हो गए। तो इधर भी भोग बनाते समय शिव बाबा को भोग लगाना, देवी देवताओं को भोग लगाने में अंतर है। तो अगर फिर भी माता जी कहते मुझे भोग लगाना है, हाँ उसकी भी व्यवस्था है। अगर घर में कोई नहीं चलते क्या, माता जी अकेली चलते हैं, तो आप फल ले लो, केला ले लो, एप्पल ले लो, कोई भी फल काट करके बाबा को भोग लगाओ। लेकिन खाना बना करके जिस चूल्हे पर बाकी कुछ खाना होता है वहां भोग लगाओ। नहीं बनता तो लगा सकते, तो भी सभी लोग क्या में नहीं चलते हैं, सभी लोग नहीं चलते ना, तो उनके वातावरण अलग है। प्याज तो सुन नहीं खाते, ठीक है, लेकिन इतनी स्वच्छता नहीं, सभी सवेरे उठते ही सभी स्नान करके खाना नहीं बनाते, किचन में नहीं जाते। हाँ, अगर आप अकेले हो, आप ही सब किचन में सब देखते हो, खाना बनाते हो, बहू बच्चे कोई नहीं आते हैं, तो अगर आपका फुला है तो हाँ कोई ध्यान में नहीं चलते। तो आप सब लोग अब बाहर गए, आप स्नान बना के अलग खाना अच्छी तरह से बाबा को बनाकर भोग लगा सकते हैं, तो कर सकते हैं। अगर आपका फुला घर में आप अकेले हो तो चलेगा, ठीक है। तो आप अकेले किचन में जाकर जरा कोई आए और किसी का है तो वो वातावरण वाइब्रेशन ठीक नहीं है, इसके लिए व्यवस्था बतानी पड़ेगी। नहीं तो भोग लगाना सबको पता है, लेकिन कैसे क्यों बता रहा हूँ आपको, बताता हूँ प्रैक्टिकल। जयपुर में भोग बना रही बहन जी को लगा, आज गुरुवार है, स्नान किया सिर पर, स्नान करके भोग बना करके ला के रख दिया, लेकिन फैन भी चलता है तो पनीर की सब्जी थी, तो हवे में बाल उड़ते हैं, तो पनीर की सब्जी में बाल का टुकड़ा गिरा, सब्जी बना करके भोग ला करके रख दिया। दूसरी बहन संदेश वतन में गई, बाबा ने कहा बच्ची सांप लेके आए हो, बाबा भोग में सांप कैसे होगा, देख लो बाबा ने कहा सांप पकाया है, तो वो माने नहीं, बाबा सांप कैसे इतने छोटे डब्बे में आएगा, तुरंत नीचे पहुंच गए। नीचे आते ही कहा जिसने भोग रखा था उसको बुलाया, देखो बाबा ने इसमें अंदर सांप दिखाया, अरे सांप कैसे आएगा, देख लो खोलो। खोल के देखा तो पनीर की सब्जी में बाल का टुकड़ा था। तो हम सिर पर स्नान करते हैं, फैन चल रहा है, कितनी स्वच्छता चाहिए। गड़बड़ी में किया, एक पत्ते के साथ घास चला गया, हाँ सफाई नहीं किया ना अच्छी तरह से, तो शिव बाबा को भोग लगाते समय सफाई स्वच्छता नहीं लगा सकते, कोई अच्छा नहीं, फल का गया। तो ये सुविधा जानना चाहिए, या ये विधि जानना चाहिए, कब लगाना चाहिए। दिन में एक टाइम होता, सवेरे गड़बड़ी होती है, शाम को भी नहीं, दिन में खाली रहते हो, आराम से अच्छे तरह से लगा सकते, ठीक है, समझ में आया, आपको कैसे लगाना चाहिए।